बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू फाइन। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 8 चैप्टर नंबर 7, अ बॉयज बेस्ट फ्रेंड। ये हमारे पास एक स्टोरी है और ये फिक्शनल स्टोरी है, बहुत ही मजे की स्टोरी है। तो आज हम इसके वर्ड मीनिंग्स कर लेते हैं और इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू शेयर विद यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टेक्स्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पेंसिल्स और नोटबुक अपने हाथ में ले लीजिए और इसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, ताकि जब हम एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएं, जब रीड करें इसको, तो आपके पास वर्ड मीनिंग्स पहले से हों तो आपको कहीं भी कोई डिफिकल्टी ना आए। क्रेटर इज अ लार्ज बॉल शेप्ड कैविटी लाइक द माउथ ऑफ अ वॉल्केनो। बेसिकली होता क्या है कि क्रेटर ऐसी जगह को कहा जाता है कि किसी जैसे पहाड़ी नुमा चीज हो और उसके अंदर एक उसका मुंह का दिहाना बना हुआ हो, सुराख हो। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे पहाड़ के अंदर जब जो है वहां से वॉल्केनो इरप्ट होता है तो उसके जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वहां पर एक सुराख हो जाता है और वहीं से जो है वॉल्केनो जो है वो फटता है। ठीक है, तो वो जो ऊपर वाला हिस्सा, वो जो गोल गोल सा हो जाता है, उसको हम कहते हैं क्रेटर। तो जो ये जो स्टोरी है ये भी एक मून के ऊपर जो है वो बनाई गई है कि जो लोग हैं वो मून सिटी के ऊपर रहते हैं और वहां पर भी आपको इस तरह के होल्स नजर आएंगे, तो इसको कहा जाता है क्रेटर। फेकर फेक से है, समवन हु फेक्स और प्रिटेंड्स। द एक्सप्रेशन इज मोर अमेरिकन, फेकर इज द शैमर हम्बग। यानी कि एक चीज जो रियल ना हो, बनावटी हो, जिसमें कोई नकल की जा रही हो, कुछ शो ऑफ किया जा रहा हो, उसको कहते हैं फेकर। हैड लेट हिम हेयर अबाउट, हैड स्कोल्डेड हिम, डांटना, दिस इज एन idiom, इट मींस किसी को डांट लगाना, कोई बातें सुनाना। ठीक है, कैंगरू हॉप, कैंगरूज मूव फॉरवर्ड बाय हॉपिंग। आपको पता होगा कैंगरूज किस तरह से मूव करते हैं, उछल उछल के मूव करते हैं अपने दोनों पाँव पर। ऑन द मून देर इज लेस ग्रेविटी देन देर इज ऑन अर्थ, सो द ऑथर हैज यूज द फ्रेज कैंगरू हॉप टू डिस्क्राइब हाउ पीपल मूव अबाउट ऑन द मून ऑफ ऑन द मून। ठीक है, यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि बेसिकली जिस तरह से कैंगरू हॉप करते हैं, तो क्योंकि मून के ऊपर ग्रेविटी नहीं है जिस तरह से अर्थ के ऊपर हमारे पास ग्रेविटी है और हम आराम से चल पाते हैं, तो मून पर ग्रेविटी कम होने की वजह से वहां पर लोग कैंगरू की तरह से हॉप करते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। ल्यूनर ऑफ द मून, ल्यूनर का ताल्लुक होता है मून के साथ और सोलर का ताल्लुक होता है सन के साथ। ठीक है, जैसे जब जो है वो चांद ग्रहण होता है तो हम कहते हैं इट्स ल्यूनर एक्लिप्स, जब सूरज ग्रहण होता है तो हम कहते हैं सोलर एक्लिप्स। ठीक है, तो इस चीज को आप ये टर्म्स याद करें, आपको साइंस में मदद मिलेगी, सोशल स्टडीज साइंस वगैरह के अंदर। मून बॉर्न मींस बॉर्न ऑन द मून। ठीक है, अर्थ बॉर्न का मतलब जो अर्थ के ऊपर पैदा हुआ है, मून बॉर्न का मतलब जो मून के ऊपर पैदा हुआ है। अच्छा, इसका ताल्लुक रियलिटी से स्टूडेंट इस तरह इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अभी मून के ऊपर लोग नहीं रहते। ठीक है, यहाँ पर जो है वो जिंदगी पाई तो गई है लेकिन यहाँ पर कोई अभी जाकर बसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद वी हैव पॉजिट्रॉनिक मेड अप ऑफ पॉजिट्रॉन्स, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द पॉइंट्स द ऑथर इज ट्राइंग टू मेक इज दैट रॉबर्ट हैजंट अ रियल ब्रेन और रियल फीलिंग्स ऑफ लव। बेसिकली स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर डॉग का तस्करा किया गया है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, और उसके पास ब्रेन तो है नहीं, उसके पास जो प्रोग्रामिंग हुई भी है ब्रेन के अंदर, उसको आप समझ लीजिए जैसे कि एक कंप्यूटर के अंदर हमारे पास सीपीयू होता है, तो इसी तरह से रोबोट के अंदर हमारे पास सीपीयू की जगह पर जो टेक्नोलॉजिकल डिवाइस है, जो फंक्शन करती है चीज, वो पॉजिट्रॉन्स है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जो उसको मैसेजेस देते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि डॉग के अंदर जो सीपीयू लगा हुआ है, जो उसको मैसेजेस दे रहा है, जो उसकी प्रोग्रामिंग कर रहा है, उसको हम पॉजिट्रॉनिक कहते हैं। प्रोग्राम मीन्स फेड विद इन्फॉर्मेशन एज इज डन विद अ कंप्यूटर टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। ठीक है, प्रोग्राम का मतलब होता है किसी चीज को इस तरह से डिजाइन करना, यानी जैसे कंप्यूटर है तो उसके अंदर प्रोग्रामिंग हुई भी होती है कि वो एक खास तरीके से बिहेव करता है, खास तरीके से जो है वो उसकी पूरी सारी फंक्शनिंग होती है। तो वो किस बेसिस पर होती है, प्रोग्रामिंग के बेसिस पर होती है, यानी उसको उसके अंदर इंफॉर्मेशन किस तरह से फीड की गई है। ठीक है, स्कॉच टेरियर इज अ रफ हेयर्ड एक्टिव एंड हार्डी डॉग। बेसिकली ये एक रियल डॉग की बात की गई है कि वो रियल डॉग को बुलवाया गया इस स्टोरी के अंदर, तो उसको स्कॉच टेरियर कहा गया, जो रफ हेयर्ड है, एक्टिव है और हार्डी डॉग है। ठीक है, स्पिंडली इज टॉल एंड स्लेंडर, जो दुबला पतला जो है वो शख्स होता है उसको हम यूज करते हैं ये वर्ड स्पिंडली, जिसको हम जो है वो आप ये कह सकते हैं कि इसकी जो फिजीक है वो बहुत ज्यादा थिन एंड स्लेंडर है।
ठीक है. टेंडॉन्स इज द स्ट्रॉन्ग बैंड और कॉर्ड ऑफ टिश्यू फॉर्मिंग द एंड्स ऑफ द कनेक्टिंग पार्ट्स ऑफ मसल्स. हेयर रॉबर्ट्स टेंडन्स आर मेड ऑफ स्टील. बेसिकली स्टूडेंट्स, हमारे मसल्स के साथ जो हमारे नर्व सिस्टम है, ठीक है, जो हमारी नसें होती हैं उसको कहा जाता है टेंडन्स. अब यहाँ पर जो डॉग है, क्योंकि वो रियल नहीं है, वो एक टेक्नोलॉजिकल डिवाइस है, तो उसके अंदर जो टेंडन्स हैं वो क्या हैं, वो उसकी स्टील की बनी हुई हैं, यानी उसको रॉड्स के जरिए कनेक्ट किया गया है. ठीक है. द टेस्ट हेयर मीन्स द मेडिकल चेकअप्स एक्सेट्रा वॉज नियरली फुल. यूजिंग अ न्यू एक्सप्रेशन वी ऑन अर्थ से ऑफ द मून, इट्स अ फुल मून व्हेन द होल सर्फेस ऑफ द मून इज लिट अप बाय द लाइट ऑफ द सन. अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक आपको टर्मिनोलॉजी समझाने की कोशिश की गई है कि जब हम जमीन से चांद को देखते हैं तो हम कहते हैं कि आज हाफ मून है, ठीक है, आज क्रिसेंट है, आज फुल मून है. तो हमारे पास चांद की जितनी रोशनी पहुंच रही होती है, हम उसके बेसिस पर कहते हैं कि मून की क्या जो है वो आज पोजीशन है. ठीक है. इसी तरह से जब चांद के ऊपर खड़े होकर हम जमीन को देखते हैं तो जमीन भी हमें डिफरेंट शेप्स में नजर आती है. ठीक है. कभी फुल अर्थ नजर आएगी, कभी इन द फॉर्म ऑफ क्रिसेंट नजर आएगी, कभी हाफ अर्थ नजर आएगी. तो यहां पर वॉज नियरली फुल का मतलब क्या है कि इस वक्त में जब चांद को देखा जा रहा था तो वो तकरीबन फुल मून की तरह था. जैसे कि हमें यहां से फुल मून नजर आता है तो मून से फुल अर्थ नजर आ रही थी. ठीक है. वेव लेंथ इज द लेंथ मेजर्ड फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन एनी वन वेव टू द सेम पॉइंट ऑन द नेक्स्ट वेव. अभी जो वेव लेंथ होती है ना, ये आप समझ लीजिए कि जैसे साउंड्स की वेव लेंथ की मैं बात करूं तो ये साउंड के जैसे एक जो उसका वेव बनती है तो एक पॉइंट से लेकर दूसरी वेव तक जाने तक जो पॉइंट होता है उसका जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं वेव लेंथ. जैसे अब यहां पर मैं आपको बनाकर दिखाऊं कि हमारे पास ये कुछ वेव लेंथ हैं. ठीक है. तो ये आपको नजर आ रही है वेव्स हैं. अब ये एक वेव से दूसरी वेव तक के दरमियान में जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं वेव लेंथ. ठीक है. तो द लेंथ मेजर्ड फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन वन वेव टू द सेम पॉइंट ऑन द नेक्स्ट वेव. द वेव लेंथ ऑफ अ रेडियो आर यूजली मेजर्ड इन मीटर्स. ठीक है. और उसको मेजर किसमें किया जाता है, इसका जो यूनिट होता है वो मीटर होता है. थोड़े से वर्ड्स और देख लीजिए स्टूडेंट्स, जो मीनिंग्स आपको जिसके लिए डिफिकल्टी हो सकती है. तो क्रिएटर हम डिस्कस कर चुके हैं. जाइल कहते हैं मेंटली क्विक ब्रिस्क एनर्जेटिक फुर्तीला, बहुत तेज भागने वाला. स्टबियर मीन्स थिक एंड शॉर्ट, जैसे कि हमने वहां पर अभी पढ़ा था. स्प्रिंडली कहते हैं टॉल एंड स्लेंडर को, तो स्टबियर बिल्कुल इसका ऑपोजिट है. थिक एंड शॉर्ट को कहते हैं मोटा और छोटा. स्क्वीक्ड अटर अ हाई पिच्ड क्राई, चीखना, आवाजें निकालना. तो यहां पर ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज हुआ है डॉग के लिए कि वो बार बार स्क्वीक करता है, मुख्तलिफ किस्म की आवाजें निकालता है. जब खुश होता है तो जोरदार आवाजें निकालता है, और जब अफसुरदा होता है तो जो है वो मधम सी आवाजें निकालता है. टेंडन्स बता दिया मैंने आपको, नसों को कहा जाता है. समर सॉल्टिंग कहते हैं फ्लिप टू बाउंस, कलाबाजी खाना, यानी उलट पुलट तरीके से जो उछल कूद करते हैं ना, उल्टे पुलटे होने को, तो इसको कहा जाता है. वाइप्ड आउट टू एलिमिनेट और टू रिमूव, मिटा देना, सफाया कर देना किसी चीज को, सफाई हस्ती से मिटा देना. बाउंड जंप स्किप बाउंस हॉप, छलांगे मारना. रडार इज डायरेक्शन फाइंडिंग ट्रैकिंग सिस्टम, किसी की इस वक्त लोकेशन क्या है उसको रडार के जरिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं. रेसिंग थ्रू टू रन वेरी क्विकली थ्रू सम प्लेस और थिंग, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर भागना. ट्रिपिंग मीन्स ड्रैगिंग स्ट्रॉलिंग, खींचना घसीटना, किसी को रोकने की कोशिश करना. प्रिटेंडेड टू शो ऑफ टू एक्ट, ड्रामा करना. लेन इज द पास्ट ऑफ लाए, इसके अंदर अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है लाए और ले के अंदर, तो ये तीन अलग अलग जो है वो वर्ब्स हैं. ठीक है. तो ये लेन है, ये लाए का पास्ट टेंस है, ले का पास्ट टेंस नहीं है. इट मीन्स ओरिएंटेड इन अ हॉरिजॉन्टल पोजिशन, कोई चीज पड़ी हुई हो ना जमीन पर, ठीक है, या रखी हुई हो, उसको हम कहते हैं लेन. लेट हिम हेयर बता दिया था, idiom है डांटना. क्विवरिंग ट्रेम्बल शेक एक्साइटेड, यानी कि घबराना या बहुत ज्यादा पुरजोश हो जाना, और या फिर कपकपाना, इसके डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं. बम्प मीन्स हेड. इमिटेशन इज द कॉपी मॉडल रेप्लिका, किसी चीज की नकल असल ना हो. फ्राउंड इज टू रिंकल वंस ब्राउज इन वरी एंगर और कॉन्सेंट्रेशन, ये जो आप अपनी भमें चढ़ा लेते हैं ना जब आपको गुस्सा आ रहा होता है, या आप शदीद कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, या कोई चीज आपको नापसंद हो रही होती है तो आप अपनी भमें चढ़ा लेते हैं. ठीक है. यानी अपना माथा सुकेड़ लेते हैं, यहाँ पर लाइन्स आ जाती है, इसको कहते हैं फ्राउनिंग.
और पॉजिट्रॉनिक ब्रेन मैंने आपको बता दिया, अफिक्शनल टेक्नोलॉजिकल डिवाइस फंक्शंस एज सीपीयू फॉर रोबोट्स, ठीक है। तो ये आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे, तो ये वहाँ पर आपके काम आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।